बीज से उगाया हुआ कमल का पौधा। नमस्कार, मैं स्नेह, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टिडबिट्स ऑफ लाइफ में। भारतीय कमल, इंग्लिश में इंडियन लोटस। आज के वीडियो में मैंने शेयर किया है कमल के पौधे को बीज की सहायता से कैसे उगाया जा सकता है। तालाब में या झील में प्राकृतिक रूप से खिलने वाले फूल हैं। कमल को किसी बड़े पॉट में या टब में भी लगाया जा सकता है। कमल के पौधों को जड़ से या बीज से दोनों तरह से उगाया जा सकता है। कमल ककड़ी या ट्यूबर से लगाए हुए पौधे में फूल जल्दी आते हैं। ट्यूबर किसी तालाब से लिए जा सकते हैं या नर्सरी से खरीदे जा सकते हैं। फूल की पत्तियां जब सूखकर गिर जाती हैं, बीच में सीड पॉड होता है जिसमें बीज तैयार होते हैं। बीज को कमल गट्टा कहते हैं। पूजा का सामान जिस दुकान पर मिलता है, कमल के बीज वहां से खरीदे जा सकते हैं। 1 रुपए में 1 या 2 बीज मिल जाते हैं। बीज कई साल तक रखे जा सकते हैं। पुराने बीजों से भी पौधे निकल आते हैं। सभी बीज में से अंकुर नहीं निकल पाते, इसलिए 8-10 बीज एक साथ खरीदने चाहिए। बीज को कुछ देर के लिए पानी में डाल देंगे। जो बीज पानी में नीचे बैठ जाते हैं, पौधे उनसे ही निकलते हैं। जो तैर जाते हैं, वो बीज हेल्दी नहीं होते। बीज के ऊपर का छिलका काफ़ी कड़ा होता है। बीज को अंकुरित करने के लिए छिलके का कुछ हिस्सा हटाना पड़ता है। बीज एक तरफ से नुकीला, दूसरी तरफ से हल्का सा गहरा होता है। गहराई की तरफ से छिलके को इतना घिसेंगे, बीज के अंदर का सफ़ेद हिस्सा दिखाई देने लगे। घिसे हुए बीजों को पानी में डालकर रखेंगे। मैंने प्लास्टिक का ग्लास लिया है, कांच का ग्लास ज़्यादा अच्छा रहता है। बीज में से अंकुर दूसरे या तीसरे दिन ही निकल आते हैं। पानी रोज एक बार बदल देंगे। किसी किसी बीज में अंकुर नहीं निकलते या देर से निकलते हैं। ग्लास को भी अच्छी तरह धो लेंगे, काई जमने से पौधा खराब हो सकता है। पौधा काफ़ी नाजुक होता है, साफ करते समय पत्तियों के टूटने का डर होता है। पानी की ऊंचाई पहले कुछ दिन 2-3 इंच ही रखेंगे। पानी जितना होगा, कमल की पत्तियां उसके ऊपर ही आकर तैरती हैं। ज़्यादा पानी होने से ऊपर आने के लिए पत्तियां तेज़ी से बढ़ती हैं, रूट्स जल्दी नहीं बन पाती। 5-6 दिन बाद पौधे को किसी बड़ी बोतल या जग में रखा जा सकता है। कमल के बीज लगाने का सही समय मई और जून होता है। बरसात में पौधे की ग्रोथ तेज़ी से होती है। बीज को पानी में रखे हुए 10-15 दिन हो चुके हैं। पौधे की रूट्स अब पूरी तरह से बन चुकी हैं। पौधा मिट्टी में लगाया जा सकता है। प्लास्टिक के एक पॉट में मैंने चिकनी मिट्टी ली है। इसमें कोई भी खाद नहीं मिलाई है। मिट्टी में थोड़ा पानी डालकर एक दिन पहले से भिगा कर रखा है। मिट्टी पूरी तरह से सेट हो गई है। जो पॉट मैंने लिया है, इसकी ऊंचाई करीब 6 इंच है, चौड़ाई 4 इंच है।
पॉट में नीचे होल नहीं होना चाहिए। मिट्टी में आधा इंच गहरा गड्ढा करके बीज को उसके ऊपर रखा है। बीज को ज़्यादा गहरा नहीं लगाएंगे, रूट्स मिट्टी के अंदर रहनी चाहिए। पौधा लगाने के बाद मिट्टी के ऊपर 2-3 इंच पानी भर दिया है। एक बाल्टी में पानी लेकर पॉट को डुबाकर रख दिया है। 2 दिन बाद पॉट की मिट्टी सेट हो गई है। पौधे को अब धूप की ज़रूरत है। मैंने इसे ऐसी जगह पर रखा है जहां 4-5 घंटे की धूप इसे मिलती रहती है। कुछ दिनों बाद पौधे में नई रूट्स बन गई हैं, कुछ नई पत्तियां भी निकल आई हैं। 8-10 दिन बाद पानी को बदलते रहेंगे। पॉट में लगी हुई काई की सफाई करना ज़रूरी होता है, नहीं तो पत्तियां सड़कर गल जाती हैं। किसी बड़े बर्तन में पॉट को रखकर काई की सफाई आसानी से की जा सकती है। पॉट की सफाई करने के बाद मिट्टी के ऊपर 1/2 इंच रेत डाल दी है। रेत डालने से मिट्टी पानी में नहीं घुलती, पानी साफ रहता है। पॉट को अभी भी बहुत गहरे पानी में नहीं रखना है। पौधे के बढ़ने के साथ साथ पानी की ऊंचाई भी बढ़ाते जाएंगे। इसे मैंने एक छोटी बाल्टी में रखा है जिसकी ऊंचाई करीब 10 इंच है। बड़ा होने पर पौधे को इसी सॉइल के साथ किसी बड़े टब में रिपॉट किया जा सकता है। बीज से लगाए हुए पौधे पर फूल 1 साल या 1.5 साल के बाद आते हैं। अगस्त सितंबर में फूल ज़्यादा खिलते हैं। बीज से तैयार इन पौधों को किसी बड़े टब में भी लगाया जा सकता है। टब की ऊंचाई 1.5 या 2 फुट होनी चाहिए, ऊपर की चौड़ाई कम से कम 3 फुट। एक टब में एक पौधा लगाने से पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। सर्दी के मौसम में पौधे पर फूल नहीं आते, पत्तियां सूख जाती हैं या गल जाती हैं। मिट्टी के अंदर पौधे की रूट्स रहती हैं, खराब नहीं होती। फरवरी मार्च में जब हल्की सी गर्मी शुरू हो जाती है, नई पत्तियां निकलने लगती हैं। पौधा अभी छोटा है, दोपहर की तेज़ धूप से पानी गर्म हो जाता है जिससे पौधे की पत्तियां खराब हो जाती हैं। पुरानी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं या सड़ जाती हैं, उन्हें निकालते रहना चाहिए। बारिश शुरू होने पर पत्तियां हरी रहती हैं, जल्दी ही बड़ी होने लगती हैं, पौधे की ग्रोथ भी तेज़ी से होने लगती है। बीज से लगाए पौधे की पत्तियां कुछ महीने तक पानी के ऊपर ही तैरती हैं। एयर लीफ आने के बाद पौधा मैच्योर हो जाता है, पौधे में कलियां और फूल आने लगते हैं। एयर लीफ वो कही जाती हैं जिनकी स्टेम पानी के 10-12 इंच ऊपर आ जाती है, पत्तियां हवा में रहती हैं। एयर लीफ निकलने के बाद पौधे को खाद देने की ज़रूरत होती है। पत्तियों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन वाली खाद मिट्टी के अंदर देना चाहिए। पत्तियां मजबूत और हेल्दी होंगी, पौधे में कलियां जल्दी आएंगी। कमल के पॉट में खाद कैसे दी जाती है, इसके लिए पहले भी मैंने वीडियो शेयर किया है। पौधे की ग्रोथ जैसी होगी वीडियो मैं शेयर करती रहूँगी। इंतज़ार करिएगा फूल के खिलने का। बीज से लगाया जाने वाला कमल का पौधा अगर पसंद आया हो, आप भी अपने घर में उगा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार, धन्यवाद।